नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G62 5G वर्सेस Oppo A76 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G62 5G में 6.37 इंच जबकि 76 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Moto G62 5G में 2.91 इंच जबकि 76 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G62 5G में 184 ग्राम्स जबकि 76 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Moto G62 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G62 5G में 6.5 इंचेस जबकि 76 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G62 5G में 1080x2400 और 76 में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G62 5G में 85.31% जबकि 76 में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G62 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 76 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G62 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 76 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G62 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 76 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G62 5G में Adreno 619 जबकि 76 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G62 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और 76 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G62 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G62 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Moto G62 5G में Android V12 जबकि 76 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G62 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 76 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटो जी 62 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A76 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में मोटो जी 62 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो जी 62 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQOO Z6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।